एकमात्र आराध्य कौन है? केवल एकमात्र आराध्य परमात्मा है। जैसे पतिव्रता का एक ही पति होता है, उसी तरह से हमारी आत्मा का एक ही पति हो सकता है, वह है परमात्मा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले दृष्टांत दिया था, एक पत्नी अपने देवर, जेठ, सास, ससुर सबकी सेवा कर सकती है, लेकिन अपने पति का अधिकार किसी को नहीं दे सकती। उसी तरह से हमें सृष्टि में जो भी महापुरुष हुए हैं सबका सम्मान करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सम्मान है कि पूजा क्या है, उनके गुणों का सम्मान करना है। पूजा का अर्थ होता है सत्कार। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हम पदचिन्हों पर चलें, सृष्टि में उनके जैसा कोई आदर्श भाई नहीं हुआ। आदर्श भाई कौन है? एक स्वर में उत्तर मिलेगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आदर्श राजा कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आदर्श पिता कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। और आदर्श पति, आदर्श पुत्र, जो धर्म की मर्यादा का हर कदम पर पालन किया हो, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। यदि हम उनके पदचिन्हों पर चलें तो ये हम उनके सच्चे भक्त हैं। योगिराज शिव की पूजा क्या है? जैसे भगवान शिव संसार से नाता तोड़कर हिमालय की गुफा में बैठे हैं, कुछ भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं गंगोत्री गया था, मैंने वहाँ भी देखा कि जो भी महात्मा जन रहते हैं, कुछ न कुछ अपनी सारी व्यवस्था उनकी हुई रहती है, गंगोत्री की ठंड से कैसे बचनी है, कैसे क्या रखना है। लेकिन भगवान शिव ने तो कुछ भी संग्रह नहीं किया हुआ है, हिमालय की गुफा में बैठे हैं ध्यान में। हम संसार में रहते हैं, उनकी एक एक समाधि तो कितने कितने लंबे साल तक चलती है। हमको यदि 4 घंटे 6 घंटा बैठने के लिए कह दिया जाए तो हमको क्या कहना पड़ता है कि कितना कष्ट हो रहा है। हम घर से बाहर जाते हैं, 2 दिन अपने घर वालों के बिना नहीं रह सकते, तुरंत दूरभाष पर सूचना देते हैं कि तुम्हारे क्या सूचना है, सब कुछ ठीक तो है। हम संसार के चिंतन में पड़े हैं, एकमात्र भगवान शिव हैं जो केवल परमात्मा के चिंतन में पड़े हैं। इसलिए महेश्वर तंत्र में भगवान शिव उमा से कहते कि उमा, कि मैं रात दिन किस प्रकार से उस सच्चिदानंद परमात्मा का ज्ञान ग्रहण करके मैं चिंतन करता हूँ। जैसे मैंने समाधि में जो ज्ञान सुना वही ज्ञान तुमको सुना रहा हूँ। कई वर्षों की दिव्य समाधि के पश्चात मैंने वह ज्ञान प्राप्त किया था। इसी प्रकार हर व्यक्ति भगवान शिव के पदचिन्हों पर चले, वह उनकी सच्ची पूजा है। योगेश्वर श्री कृष्ण के पदचिन्हों पर चलते हैं तो योगेश्वर श्री कृष्ण के हम सच्चे भक्त हैं। यानी हम महापुरुषों के, देव पुरुषों के गुणों का सम्मान नहीं करते, हम चरित्र पूजा कम करते हैं, चित्र पूजा ज़्यादा करते हैं। तो यदि हम उनके पदचिन्हों पर चलना शुरू कर दें तो सबका भी कल्याण हो, लेकिन यह भी ध्यान देना होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी उन्हीं का ध्यान करते हैं, भगवान शिव भी उन्हीं का ध्यान करते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। शिष्ट का हर मनीषी एकमात्र परमात्मा का ही ध्यान करते हैं, क्योंकि वेद की मर्यादा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। वेद में एकमात्र परमात्मा ही उपास्य माना गया है, और उसी परमात्मा की जब हर कोई भक्ति करेगा तो सबका इसी में कल्याण होता है। हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है कि यदि हम अपना आत्म कल्याण चाहते हैं तो जैसे एक पतिव्रता अपने पति के प्रति अनन्य प्रेम भाव से सेवा करती है, उसी को सब कुछ मानती है, उसी तरह से वो तो शरीर के पति की सेवा करती है। सारी आत्मा का पति तो, सबकी आत्मा का पति तो एक ही होता है, वो केवल परमात्मा है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा है, तत्र कह मोह कह सो कह यो एकत्वम अनुपस्यत, जो सब में एक चेतना को देख रहा है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, स्त्री है, पुरुष है, आखिर सब में चेतना ही तो है। हम सभी प्राणियों में अपने को देखना नहीं चाहते हैं, अपनी चेतना के समकक्ष सभी प्राणियों को नहीं देखते, ये तो सबसे बड़ी हमारी भूल हो जाती है। हम गरीब और धनी में भेद कर देते हैं, काले और गोरे में भेद कर देते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि उसके बाहर के आकार को देख रही है, उसके अंदर की चेतना को नहीं देख रही है। जिस दिन हम संसार के सारे प्राणियों से आत्मसात अपने को कर लेंगे, जिस दिन हम अपने को आत्मभाव से देखने लगेंगे, उस दिन हम वास्तविक सत्य के बहुत निकट हो जाएंगे। और हमें यही देखना होगा कि हमारी आत्मा का एकमात्र प्रियतम केवल एक अक्षर अतीत पूर्ण ब्रह्म है। हमारे हृदय का सारा प्रेम, सारी निष्ठा, सारी श्रद्धा, सारा समर्पण,
जब उसके प्रति केंद्रित हो जाएगा तो निश्चित है कि हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। इसलिए हमें सच्चे हृदय से केवल सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, जो क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है और जिसकी भक्ति भगवान शिव ने स्वयं की है। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।